उत्तर प्रदेश में तबादलों में गड़बड़ी और मंत्रियों की नाराजगी की चर्चा हर तरफ हो रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रियों को नसीहत दे डाली। योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों से साफ साफ कह दिया कि वो अपने स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। दरअसल चर्चा है कि योगी सरकार में जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक और जितिन प्रसाद नाराज चल रहे हैं और इनके इस्तीफे की भी चर्चाएं हैं। ऐसे में योगी की नसीहत अपने आप में काफी कुछ कह रही है। एक ट्वीट के जरिए ये नसीहत दी गई है। सीएम ऑफिस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट में लिखा गया है, अपने स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें मंत्री। दरअसल लोक निर्माण विभाग में तबादलों में भ्रष्टाचार पर अफसरों पर कार्रवाई करने के बाद सीएम योगी ने मंत्रियों से कहा है कि वे अपने दफ्तर और निजी स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि अपने दफ्तर और स्टाफ पर नजर रखें। मंत्री इस बात पर भी ध्यान दें कि उनका स्टाफ क्या कर रहा है। सीएम योगी ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में ये नसीहत दी। सीएम योगी ने मीटिंग में साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार और अनियमितता की एक भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री ईमानदार और पारदर्शिता से काम करें। दरअसल यूपी में डॉक्टर्स के तबादलों और पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर्स में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। इसके बाद योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कार्याधिकारी ओएसडी अनिल कुमार पांडे को हटा दिया था। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के 5 अफसरों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था। और अब सीएम योगी की इस नसीहत के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अधिकारी मंत्रियों पर भारी पड़ रहे हैं? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लखनऊ से कुमार अभिषेक की रिपोर्ट, यूपी तक।